हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पिछली वीडियो लाइक की होगी। आज हम बात करते हैं बहुत ही खूबसूरत फ्रेगरेंस की और इसको जो परफ्यूम कम्युनिटी है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको लव दिया है। यह है जी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी और फ्रॉम फेडरिक मोल्क। इसके मैंने दो ऑलरेडी इस हाउस के रिव्यू कर चुका हूँ, एक था बिगरेट और दूसरा था मस्करवशा। मस्करवशा आपको पहले भी बताया कि काफ़ी मस्कुलिन फ्रेगरेंस है, तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और अनबॉक्सिंग के बाद हम इसके डिटेल में जाएंगे। और प्लीज़ ये चैनल आप लोगों का है और सब्सक्राइब कर दें, कंजूसी ना किया करें और लाइक और कमेंट्स भी दिया करें, और ताकि अगर आप मुझे चाहते हैं कि कौन सा फ्रेगरेंस आप मैं रिव्यू करूँ, बस कमेंट्स में दे दें, इंशाल्लाह मैं रिव्यू कर दूँगा। चलो इसकी आप अनबॉक्सिंग देखते हैं। हेलो गाइस, ये अनबॉक्सिंग पोर्ट्रेट ऑफ लेडी फेडरिक लमॉल की ऑफर पे लगा था। जैसे आपको बताया कि मैं ऑफर पे खरीदता हूँ, लेकिन आप लोग अनबॉक्सिंग लाइक करते हैं इसलिए मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आपके सामने। इसका ये बहुत ही नाइस तरीके से खुलता है बॉक्स, और ये ठीक है जी, और पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इनका बेस्ट सेलर है फ्रेगरेंस, ठीक है जी। और ये कैप क्लिक होती है, ठीक है, और आपको अब नज़र आएगा ये 50 ml का है जी। और इसका हम रिव्यू करते हैं, कहीं भी ना जाइएगा, इधर ही रहिएगा। वेलकम बैक गाइस, तो इसके थोड़े बॉक्स की डिटेल में जाते हैं। तो ये साइड पे इसका लोगो वगैरह है, ये है, और ये इस तरह करके खुलता है, ठीक है। और बोटल यहाँ बहुत ही नाइस तरीके से सेट होती है, ठीक है, और यहाँ इस तरह से, ठीक है। इनकी जो पैकेजिंग है बहुत ज़बरदस्त है, आपको पता लगता है कि आपने अच्छे हाउस से यानी और अच्छी क्वालिटी की जो पैकेजिंग मिलती है, तो समटाइम यहाँ कहते हैं मनी वेल स्पेंड, ठीक है। तो ये है जी इसकी बोटो, इसका नेम और यहाँ इसका बैच कोड वगैरह है, शायद आपको नज़र आ जाए, ठीक है। और इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि इसके दो साइज़ आते हैं, एक आता है 100 ml और एक है 50 ml। 100 ml आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में बताऊँ, ना शो के टैक्स के बाद कितने का पड़ेगा, लेकिन अराउंड मैं पौंड के हवाले से बता रहा हूँ कि 90,000 का आपको, सॉरी 90,000 का आपको मिलेगा, और ये आपको अराउंड 36,000 या 40,000 के करीब मिलेगा ये वाला 50 ml की फोटो जो। तो ये फोटो सही तरीके से क्लिक होती है, ठीक है, सिक्योर है, ठीक है। इसके नोट्स के हवाले से बात करते हैं, इसके जो टॉप नोट्स में आता है रोज़ है, क्लॉव है, रास्बेरी है और ब्लैक कर्ट है। मिडिल नोट्स में आता है स्मोक है, पैचुली है और सैंडलवुड है, और बेस नोट्स में एम्बर मस्क और बेंजीन है, ठीक है। सबसे पहले कहूँगा, अगर आप रोज़ बेस फ्रेगरेंस लाइक नहीं करते तो ये आप लाइक नहीं करेंगे, ठीक है। और इसकी स्मेल के हवाले से आते हैं सबसे पहले कि ये आपको कोई मॉडर्न ट्विस्ट नहीं है इसमें, ठीक है, क्लासिक फ्रेगरेंस है। आपको रिमाइंड करेगा कि आपने शायद कोई ओल्ड मूवीज़, जो कि पुरानी मूवीज़ 90s की होंगी, जैसे कोई शॉर्ट फाइट मूवी हो, लोग चर्च पे जाते हों और उस तरह वो पानी फेंकते हैं, ठीक है, तो इस तरह का आपको ये मेमोरीज देगा, शायद आपने ओल्ड टाइम में कोई मूवी इस तरह की देखी हो। ये इसका जो जूस है ऑरेंज टाइप है, ठीक है, और इसके वाले से ये कहूँगा कि ये नॉट ईजी लाइक, ठीक है। अगर आप रोज़ फ्रेगरेंस लाइक करते हैं तो फिर तो ठीक है, आप ये फ्रेगरेंस लाइक करेंगे। अगर आप रोज़ बेस फ्रेगरेंस लाइक नहीं करते तो ये नहीं करेंगे। इसकी प्राइस बहुत हाई है, यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है, और इसकी मैं आपको स्प्रे आपके सामने दिखा देता हूँ। स्प्रे बहुत ज़्यादा वाइड है, तो मैं थोड़ा सा लगाऊँगा आपके सामने, ठीक है। तो ओपनिंग आपको स्मेल इसकी बहुत नाइस है, ठीक है। मैं पर्सनली लाइक करता हूँ क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस लाइक करता हूँ, तो इसकी जो ओपनिंग में आपको हल्का सा ब्लैक रेंट आ जाता है, रास्बेरी आ जाता है, ठीक है। और अगर आप 15 से 20 मिनट इस फ्रेगरेंस को बर्दाश्त कर लें, ठीक है, इसकी ओपनिंग नाइस है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन
कुछ लोगों के लिए शायद टू मच हो, ठीक है, लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट इसको दे दें, उसके बाद कहते हैं कि मैजिक बिगिन, तो फिर इसका जादू आप पे चल जाएगा, ठीक है। और इसकी स्मेल में पहले बताया रास्पबेरी ब्लैक हंट आ जाता है, और इसको 15-20 मिनट के बाद स्मोकी रोज और मस्क आ जाता है। बेसिकली इसको ओरेंटो फ्लोरल फ्रेगरेंस कहा गया है। तो फ्लोरल फ्रेगरेंस जो कि मेंस के लिए नॉट इजी टू पुल अप, ठीक है, ये यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है। लेडीज बहुत ज़्यादा इस फ्रेगरेंस को लाइक करती हैं, बेसिकली लेडीज रोज फ्रेगरेंस ज़्यादा लाइक करती हैं। तो ये मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, तो मैस्कुलिन होने की वजह से ये यूनिसेक्स भी है और आप इसको पहन सकते हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो फिनोमिनल है, ठीक है, अराउंड 15 आवर्स आपके कपड़ों पे रहेगा, नेक्स्ट डे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन पे आपके 10 पे 12 आवर्स रहेंगे, लेकिन ये गर्मी को फ्रेगरेंस नहीं है, ठीक है। एक से दो स्प्रे इनफ है, ठीक है, आपको पूरा दिन आराम से गुजर जाएगा। सर्दियों में आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा स्वीट स्मोकी रोज़ फ्रेगरेंस है ये। और इस वेदर पे आप अगर ज़्यादा सर्दी है तो इसकी प्रोजेक्शन भी ज़्यादा हाई होगी, गर्मी में आप पहन सकते हैं लेकिन आइडियल नहीं है, ठीक है। अगर आप एयर कंडीशन माहौल में हैं तो फिर तो ठीक है, किसी फंक्शन में जा रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन एक से दो स्प्रे इनफ है, क्योंकि ये कहते हैं कि नॉर्मली इनकी कम्युनिटी में कहा जाता है परफ्यूम में कि ये पॉइजन है। बेसिकली इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है, और शायद जो आपके साथ लोग हैं वो रोज बेस्ड फ्रेगरेंस लाइक ना करते हों तो फिर वो थोड़ा सा फेंड होंगे। कई बार ऐसे होता है कि आप किसी दूसरे किस्म से आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो बेसिकली मुझे इसको मैंने 3-4 बार अप्लाई किया है कुछ लास्ट फ्यू वीक्स में, और मुझे इसमें कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, और डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्स गेट है, और ज़्यादा लेडीज़ ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, शायद लेडीज़ ये स्मेल ज़्यादा लाइक करते हैं मन से, ठीक है। और एक मैंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए है यू स्मेल नाइस। तो इस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि हमेशा अगर आप श्योर नहीं है रोज़ बेस्ड फ्रेगरेंस है तो ये ना खरीदिएगा, इसकी प्राइस बहुत हाई है। लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और कोई ऐसा फ्रेगरेंस है जो आप दोनों ही लाइक करना चाहते हैं, और बेसिकली ये दोनों के लिए बेस्ट होगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो मैं आपको एडवाइस दूँगा 100 ml लीजिएगा, क्योंकि ये फ्रेगरेंस मैं इस पर अब एडिक्टेड, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये डेवलप हो रहा है। कुछ फ्रेगरेंस ऐसे होते हैं कि आप पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो ये ऐसा फ्रेगरेंस है कि आप शुरू में नहीं लाइक करते, लेकिन जैसे जैसे आप लगाते जाते हैं ऐसे ऐसे आपको ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, आपको इस फ्रेगरेंस की केमिस्ट्री का पता लगता है कि बेसिकली है किस टाइप फ्रेगरेंस है और किस मौके पर पहन सकते हैं। मैं इसको ज़्यादातर स्पेशल ओकेजन पर पहनूंगा क्योंकि एक्सपेंसिव है, तो डेली बेसिस पर नहीं पहनूंगा, लेकिन आपके पास अगर उड़ाने के लिए हैं पैसे तो फिर तो ठीक है, आप डेली बेसिस सिग्नेचर सेंट आपको हो सकता है। और ये था मेरा रिव्यू बोटेड फॉर लेडी फ्राम फेडरिक मो, और उम्मीद करता हूँ आपने इसको रिव्यू को लाइक किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये आप लोगों का चैनल है, और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको ज़्यादा और डिफरेंट नए ओल्ड क्लासिक फ्रेगरेंस का रिव्यू आपके सामने करके दिखाऊं, और कुछ कर दूँ अनबॉक्सिंग वीक सब करके दिखाऊँ। कई बार कंट्रोल नहीं होता और मैं अनबॉक्सिंग पहले कर देता हूँ, लेकिन यह क्योंकि मैं ट्राई करना चाहता हूँ। कुछ फ्रेगरेंस ऐसे होते हैं कि मैंने खुद दूसरे यूट्यूबर्स के वो भी देखता हूँ, वो कहते हैं कि ये फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल ऐसी है, तो आप ट्राई करना चाहते हैं। इंशाल्लाह और बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं, और उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को भी लाइक किया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।